अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको इस बार ईद पर डबल ईद चाहिए तो आपने फ्राइड चिकन राइस बना के ना डबल ईद लेनी है, और खाने वाला इतना मस्त हो जाएगा खाने में कि आप जितनी मर्जी ईदी मांगे वो आपको दे देगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बनाना, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। 1 kg लेंगे चिकन बोनलेस, 1 teaspoon लाल मिर्च पाउडर, 1 teaspoon हल्दी, 1 teaspoon कूटी हुई लाल मिर्च, 3 tablespoon कॉर्नफ्लावर, 3 tablespoon मैदा, 1 teaspoon बेकिंग पाउडर, 1 teaspoon काली मिर्च, 1 tablespoon सिरका, 1 tablespoon सोया सॉस, 1 tablespoon चिली सॉस। 1 लेंगे अंडा, इसको हम कर लेंगे मिक्स, 30 मिनट के लिए रख देंगे फ्रीजर में ताकि इसमें जो मसाला वो ज़्यादा हो जाए अच्छी तरह, तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं राइस। तो हमारे 30 मिनट हो गए हैं, तो हम इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म ना हो जाता, फ्लेम भी हम स्लो रखेंगे, तो हमने ऐसे ही सारे फ्राई कर लेने हैं। ये राइस इतने टेस्टी बनते हैं ना कि आप जितनी मर्जी ईदी मांगे, अगर आप 10,000 भी कहेंगे ना तो वो आपको दे देगा। ये इतने टेस्टी बनते हैं, खाने वाला भूल ही जाएगा कि आप कितनी ईदी मांग रहे हैं। तो हमने इसको फ्राई कर लिया है, हम निकाल लेते हैं। तो हम लेंगे 1/4 कप ऑयल, हम इसके अंदर डालेंगे 2 प्याज, प्याज को हमने वाइट ही रखना है, तो हम इसके अंदर डालेंगे फ्राई की हुई चिकन पीस। तो हम डालेंगे 1 teaspoon अदरक लहसुन का पेस्ट, और हम डालेंगे 1 teaspoon ग्रीन चिली चॉप की हुई, और हम डालेंगे इसके अंदर 1 कप पानी। तो हम इसको 10 मिनट कुक करेंगे। तो जब हमने फ्राई की थी तो ये कुक हो गई थी आधी, तो हम इसके अंदर 10 मिनट और कुक करेंगे। तो हम डालेंगे 2 tablespoon नमक, 1 tablespoon डालेंगे ब्लैक पेपर, इसको हम कर लेंगे मिक्स। तो आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार लग रहा है। तो हम इसके अंदर डालेंगे 80% बॉयल राइस, तो हम इसको कर लेंगे मिक्स। फ्राई चिकन को हम ऐसे भी खा सकते हैं, और हम इसकी मसाला हांडी बना के भी रोटी के साथ खा सकते हैं, तो बहुत ही टेस्टी बनती है फ्राई चिकन। तो हम इसके अंदर डालेंगे येलो फूड कलर, 15 मिनट के लिए कुक करेंगे लो फ्लेम में, तो 15 मिनट के बाद चेक करते हैं। तो लीजिए हमारे फ्राइड चिकन राइस रेडी हो गए हैं, तो बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप इस बार ईद पर बना के ना डबल ईदी ले सकते हैं। तो देखते हैं आपको ईदी कितनी मिलती है। तो हम इसके ऊपर डालेंगे फ्रेंच फ्राइज़, तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं, इसके साथ खाएं ना तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसके ऊपर माया सॉस डाल के खाएं ना तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। माया सॉस बनाने के लिए केचप लेंगे और लेंगे मायोनीज़, इसको कर लेंगे मिक्स। तो लीजिए हमारा माया सॉस रेडी हो जाएगा, तो इसके ऊपर डाल के खाएं तो बहुत ही मज़ा आता है। ईद को स्पेशल बनाएं, मुझे रखे दुआ में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।